अर्ली वर्ली गेम के फर्स्ट सीजन के सक्सेस के बाद से वर्ली गेम सेकेंड सीजन का आयोजन 10 फरवरी को मुंबई स्थित वर्ली के जामो मैदान में अर्जुन मेघे द्वारा आयोजित किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर पार्टिसिपेट किया। अर्जुन मेघे एक ऐसा नाम है, एक ऐसा युवा नेता जो लगातार सभी वर्ग के लिए कार्यक्रम का आयोजन वर्ली में करते आ रहे हैं। फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वर्ली गेम्स का भव्य आयोजन शनिवार के दिन सुबह से लेकर रात तक के लिए आयोजित किया गया है। वर्ली गेम्स जो इंसानियत फाउंडेशन के माध्यम से मेरे नौजवान मित्र अर्जुन मेघे जी ने कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस क्षेत्र के सभी युवाओं की ओर से उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनकी पूरी टीम को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खास करके वर्ली के लिए, लेकिन वर्ली के नौजवानों के लिए वे हमेशा संघर्ष करते आ रहे हैं। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए, उनको उनके हाथों को मजबूत करने के लिए उनकी यही इच्छा है। और मुझे याद है जब मैं 27 बरस का था, पहली बार मैं जब सांसद बना, राजनीति में आया, सार्वजनिक जीवन में आया, उस समय मुझे भी, मेरी भी इच्छा थी, आज भी इच्छा है, और उनको देखकर मुझे पुरानी यादें आती है। तो मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ ऐसे ही, ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से। मुझे पूरा यकीन है कि वर्ली, साउथ मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र और देश के युवाओं के हाथों को अधिक मजबूत कर पाएंगे। आज तो मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ, क्योंकि बचपन से मैं सर को देख रहा था। सर हमारे सांसद भी थे 10 साल के लिए, तो हमेशा मैं अभी सर को वही बोल रहा था कि बचपन में जब वो सीफेस पे चलते थे, मैं उनके पास भाग भाग के जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता था और उनको मिलता था। तो आज मेरे कार्यक्रम में सर आए और कार्यक्रम की इतनी शोभा बढ़ाई है, और मुझे बहुत गर्व है कि आज सर आए और ये कार्यक्रम को इतने अच्छे से अपना वक्त दिया, टाइम दिया, और इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर का। और एक बार हम वर्ली सीफेस पे चलेंगे साथ में। यस सर। कम उम्र के पॉलिटिशियन की बात करें, सर का नाम आता है, तो सर को ही क्यों कुछ क्या देख रहे हैं? क्योंकि सर युवाओं में उनका बहुत बड़ा नाम भी है, युवा उनसे बहुत प्रेरणा लेते हैं, और आज यहाँ पे सब जो युवा है सर को देख के, मिल के उनका, उनकी उनकी जो एनर्जी है, उनको वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके हम वर्ली के युवाओं में भी जो भी बात है, जो उनमें ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा आगे लेके भविष्य में देश के लिए, मुंबई के लिए, महाराष्ट्र के लिए वो अच्छे से काम कर सकेंगे।